देश में बढ़ते कोरोना के केस चिंता का विषय है और ऐसे में राजगढ़ जिले की क्या तैयारी है कोरोना को लेकर, राजगढ़ प्रशासन कितना अलर्ट है, राजगढ़ का जो अफसरनामा है, राजगढ़ के जो अफसर है वो कितना कुछ कर रहे हैं कोरोना से निपटने के लिए, कितने अस्पतालों का बेड है राजगढ़ के पास, क्या क्या व्यवस्थाएँ हैं ऑक्सीजन के लिए, कहाँ कहाँ पर व्यवस्थाएँ की गई है, ये तमाम चीज़ें आप अखबार की सुर्खियों में पढ़ रहे होंगे। लेकिन राजगढ़ की लापरवाही जब आप सुनेंगे, राजगढ़ के अफसरों की लापरवाही आप जब सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल आप सभी जानते हैं कि कोरोना से निपटने के लिए सभी व्यक्तियों को वैक्सीन के दोनों डोज लगवाना बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जा रहा है कि जिन व्यक्तियों ने दोनों डोज लगवा रखे हैं वो लोग काफ़ी हद तक सुरक्षित हैं, 100% नहीं है लेकिन काफ़ी हद तक वो लोग सुरक्षित हैं और वो कोरोना से उनकी जान बच सकती है अगर वो कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं तो। लेकिन राजगढ़ ज़िले की एक खबर आपको पूरी देखनी है और हम आपको इसमें खुलासे के तौर पर बताएंगे कि राजगढ़ के अफसर तकनीकी खराबी की वजह से परेशान हैं या फिर लापरवाही की वजह से। दरअसल जिन व्यक्तियों को कोरोना की दूसरी डोज नहीं लगी है उन व्यक्तियों के मोबाइल में भी मैसेज आ रहा है कि आपका वैक्सीनेशन सफलतापूर्वक हो चुका है और वैक्सीन के दोनों डोज आपको लग चुके हैं। व्यक्ति ये सुनकर परेशान है, हताश है और उन व्यक्तियों को ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारा दूसरा डोज लगा ही नहीं है तो फिर हमको ये मैसेज क्यों आ रहा है, और अगर हमको ये मैसेज आ चुका है तो क्या हम फिर से दूसरा डोज नहीं लगवाएंगे। ये तमाम जो अनबन है उन पीड़ितों के मन में चल रही है। हमारे पास पूरा डेटा है, हम आगे वो भी बताएंगे आपको किन किन लोगों के साथ ये हुआ है। सारंगपुर तहसील के उदाहरण हम आपको देंगे कि किन किन व्यक्तियों के साथ ये मसला हुआ है। ऐसे राजगढ़ में कई लोग हैं जिनके पास वैक्सीन का दूसरे डोज का मैसेज पहुंच चुका है, असल में उनके पास मैसेज ही पहुंचा है, वैक्सीन के डोज उनको नहीं लगे हैं। तो ये चिंता का विषय है, स्वास्थ्य महकमे को इस परेशानी से निपटना होगा। अगर सरकार की तरफ से ये मैसेज चला जाता है कि आपको दूसरा डोज सफलतापूर्वक लग चुका है तो यकीनन उस व्यक्ति को दूसरा डोज नहीं लगेगा, और दूसरा डोज अगर उस व्यक्ति को नहीं लगा है, केवल कागज़ पर लगा है, तो वो व्यक्ति कोविड के खतरे में आ सकता है और संक्रमित होकर अपनी जान भी गंवा सकता है। तो यकीनन ये वाकई में चिंता वाली बात है और चिंता बढ़ाने वाला विषय है। इसको जितनी जल्दी हो सकता है राजगढ़ के प्रशासन को इस महामारी के दौर में कम से कम इस तकनीकी खराबी की वजह से तो निपटना चाहिए, कम से कम इस तकनीकी खराबी की वजह से किसी की जान ना चली जाए। और राजगढ़ के लोग बड़े चालाक भी होते हैं। दरअसल राशन नहीं मिल रहा है, अगर जिन व्यक्तियों के दोनों डोज नहीं लगे हैं उनको राशन नहीं मिल रहा है तो कई लोग इसका गलत फ़ायदा भी उठा रहे हैं। मैसेज बस आ गया है तो मैसेज को दिखा देते हैं कि हमको दोनों डोज लग गए हैं और उन लोगों को मज़े आ जाते हैं कि चलो एक और सुई नहीं लगवानी पड़ेगी, हमको 2-3 दिन बुखार में नहीं रहना पड़ेगा, कमजोरी फील नहीं करना पड़ेगी और हम ऐसे ही दूसरा डोज का मैसेज तो आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उन लोगों के लिए वाकई में परेशानी है और वे लोग इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो किस परेशानी से गुजर सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि ओमिक्रॉन नाम का एक वापस से ख़तरनाक वायरस आया है जो पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है। तो जाहिर सी बात है राजगढ़ भी दूर नहीं है, राजगढ़ भी इसकी चपेट में आ सकता है। भगवान से प्रार्थना है कि नहीं आए लेकिन आ सकता है। तो ये जो तकनीकी समस्या है इससे निपटने के लिए सरकार को जल्द से जल्द इंतजाम करना होंगे। अब इसके कुछ उदाहरण आपको बताते हैं कि राजगढ़ में ऐसे केसेस कहां पर आए हैं। दरअसल सारंगपुर तहसील में केसेस आए हैं, हम आपको पढ़ के सुना देते हैं कि कौन कौन से केसेस आए हैं। दरअसल सारंगपुर के चंद्र निवास कॉलोनी के निवासी है आशिक अंसारी, वो कहते हैं कि पहला टीका 19 जुलाई को उन्होंने लगवाया था, 14 दिसंबर को दूसरा डोज सफलतापूर्वक लगने का उनके पास संदेश आया जबकि उनको दूसरा डोज लगा ही नहीं, और वो परेशान है इस बात को लेकर
कि अब उन्हें डोज लगवाना है या नहीं लगवाना है। एक और कॉम्प्लेक्स निवासी, जैन कॉम्प्लेक्स निवासी अभिषेक पाटनी के अनुसार पहला टीका 6 जून को उन्होंने लगवाया था, 6 दिसंबर को दूसरा डोज सफलतापूर्वक लगवाने का मैसेज उनके मोबाइल में आ जाता है, जबकि उनको भी दूसरा डोज नहीं लगा है। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी लापरवाही है या कितनी बड़ी तकनीकी समस्या है। इससे निपटने के लिए राजगढ़ प्रशासन को जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। अगर नहीं किया गया तो ये जो छोटी सी तकनीकी समस्या है, इसकी वजह से किसी की जान जा सकती है, कोई सदस्य अपने परिवार से बिछड़ सकता है, कोरोना की चपेट में आ सकता है, और काफ़ी लोग इसको लेकर परेशान भी है, काफ़ी लोग इसका गलत फ़ायदा भी उठा रहे हैं। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे कि ऐसे लोगों को किससे शिकायत करना चाहिए, वो किससे शिकायत करें, जिला अस्पताल में जाएं, स्वास्थ्य कर्मियों से शिकायत करें, पुलिस वालों से शिकायत करें। लोगों को भी ये बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है उनको ज़रूर इसकी हक की लड़ाई लड़ना चाहिए। और लोगों के हक में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, सपोर्ट भी कीजिएगा। आपकी वजह से अपना चैनल बहुत अच्छा चल रहा है। मारो राजगढ़ के जो लोग हैं वो इस चैनल को बहुत मोहब्बत दे रहे हैं, और हमको और सपोर्ट चाहिए, तो इसलिए आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, जो लाल बटन आपके साइड में दिख रहा है। यकीनन आपको हर एक खबर इस चैनल पर मिलेगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।